नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। पठान देखेगा पूरा हिंदुस्तान। डे वन डे टू की एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है आपको पता होना चाहिए कि भैया 26th जो कि यहाँ पे रिपब्लिक डे है उसके दिन यहाँ पे भैया पठान का जलवा स्टार्ट होने वाला है। अब सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी रह चुके हैं पठान के आने में, और क्या है यहाँ पे एडवांस बुकिंग के नंबर्स, इसके ऊपर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक छोटी से लेकर बड़ी अपडेट पठान के बारे में आपको टाइम से मिलती रहे। अगर हम बात करें पठान के एडवांस बुकिंग के बारे में तो यहाँ पे भैया डे वन के अंदर हिंदी वर्जन के अंदर पठान ने यहाँ पे भैया 22 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। यानी कि भैया डे वन के अंदर 22 करोड़ यहाँ पे पठान जो है वो कलेक्ट कर चुकी है। चारों तरफ से यहाँ पे हिंदी वर्जन के अंदर सपोर्ट आ रहा है और यहाँ पे 22 करोड़ का एक नंबर है जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, वो यहाँ पे भैया इन्होंने अचीव कर लिया है। और जो टिकेट्स है वो यहाँ पे भैया सोल्ड आउट हो चुके हैं 6,50,000। यानी कि भैया 6,50,000 डे वन के अंदर टिकेट्स जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। उसी के साथ डे टू रिपब्लिक डे वाले दिन यहाँ पे भैया काफी ज्यादा लोगों ने टिकेट्स को परचेज भी किया है, और यहाँ पे सेकंड डे जब यहाँ पे एक दिन मूवी रिलीज होगी तब यहाँ पे वो लोग जाएंगे जो कि भैया SRK के काफी ज्यादा जो है वो चाहने वाले हैं। लेकिन डे टू के अंदर रिपब्लिक डे वाले दिन भी काफी ज्यादा यहाँ पे इस मूवी को सपोर्ट मिलने वाली है, और यहाँ पे 11.50 करोड़ के यहाँ पे टिकेट सोल्ड आउट हो चुके हैं डे टू के लिए। और यहाँ पे भैया टोटल जो टिकेट्स हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं 3,75,000 सोल्ड आउट। यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे निकल के आ रहा है, और इसी तरीके की अगर परफॉर्मेंस चलती रही तो पठान भैया बड़े बड़े माइलस्टोन को भी अचीव कर सकता है। उसी के साथ अगर हम चले साउथ की तरफ तो यहाँ पे साउथ के अंदर भी बड़ा इस मूवी को भैया सपोर्ट मिल रहा है। और अगर हम बात करें डे वन की एडवांस बुकिंग के बारे में तो यहाँ पे साउथ के अंदर 17,525 से ज्यादा यहाँ पे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर्स की तो यहाँ पे भैया 24 लाख रुपए के यहाँ पे भैया जो है वो टिकेट्स यहाँ पे सोल्ड आउट कर चुकी है ये मूवी। अगर हम डे टू के अंदर बात करें साउथ टू के अंदर तो यहाँ पे भैया डे टू के लिए भी यहाँ पे भैया 12,000 से ज्यादा टिकेट सोल्ड आउट हो चुकी है, और यहाँ पे जो कमाई है वो यहाँ पे 13.5 लाख रुपए की ये मूवी कर चुकी है। अगर हम यहाँ पे भैया डे वन की एडवांस बुकिंग को मिला के एक यहाँ पे अमाउंट करें तो यहाँ पे 21 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है डे वन के लिए। अगर हम डे टू की एडवांस बुकिंग को मिलाएं तो यहाँ पे भैया नंबर आ रहे हैं 12 करोड़ रुपए के। यानी कि डे वन के अंदर 21 करोड़, डे टू के लिए 12 करोड़, और यहाँ पे इनका जो ग्रोस टोटल होता है वो होता है भैया 33 करोड़। यानी कि भैया 33 करोड़ के यहाँ पे जो है वो एक बहुत बड़े नंबर्स के साथ पठान आगे बढ़ रही है, और यहाँ पे भैया 10,50,000 टिकेट सोल्ड आउट हो चुकी है। यानी कि पठान जो है वो एक इवेंट की तरह मनाया जा रहा है। SRK की वापसी 4 साल के बाद पॉजिटिव साबित हो रही है, और जिस तरीके के यहाँ पे नंबर निकल के आ रहे हैं उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। ये जो है वो एक बहुत बड़ी उम्मीद है, और पठान जो है वो बॉलीवुड के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाने में, एक नया इतिहास रचने में कामयाब हो सकती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इस मूवी को कब तक देखने वाले हैं, और यहाँ पे इस मूवी के बारे में कौन सी आपकी पॉजिटिव व्यूज है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।